गुड मॉर्निंग एसटीटीपी स्टूडेंट्स, आई एम दलजीत योर हिंदी टीचर। वेलकम टू हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 13 जहाँ पहिया है हम पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक हैं पी साईनाथ। तो पाठ के अंदर हमने क्या पढ़ा कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की औरतों ने पहली बार साइकिल चलाना सीखा। साइकिल चलाना सीखने से उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस किया और आज़ाद महसूस किया। साइकिल चलाने से वो अपने छोटे छोटे काम खुद ही करने लगी। पहले पहले तो साइकिल चलाने पर लोगों ने उनका बहुत विरोध किया, लेकिन बाद में उनको सहमति मिल गई तो उन्होंने अपना साइकिल चलाना जारी रखा। कईयों ने तो साइकिल किराए पर लेकर चलानी सीखी और कईयों ने इसके लिए एक साइकिल चलाने के लिए ट्रेनिंग ली। चलिए हम पाठ का भाग नंबर 3 रीड करेंगे। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। प्रशिक्षण शिविर, ऐसा मतलब शिविर जहाँ पे साइकिल चलाना सिखाया जाता था। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई। इस गांव में, किला कुरुची गांव में क्या हुआ, महिलाएं इकट्ठी हुई साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में। ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। औरतों ने ठान लिया कि हमने साइकिल चलाना तो सीखना ही है, चाहे कुछ हो जाए। चाहे उन्होंने इसके लिए किराए पर साइकिल ली, चाहे उन्होंने किसी ट्रेनिंग सेंटर की मदद ली। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन बढ़ावा देना दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। जो महिलाएं साइकिल सीख चुकी थी, वो जो नई साइकिल सीखने वाली थी, उनकी मदद करती थी। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। उन महिलाओं के अंदर क्या था कि हमने साइकिल चलानी सीखी है, ऐसे सभी को साइकिल चलानी सीखनी चाहिए। इसलिए उन्होंने खुद पहले साइकिल चलानी सीखी और फिर दूसरों को सिखानी चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। मतलब औरतों ने, महिलाओं ने साइकिल को एक आंदोलन के रूप में लिया कि हमने तो हर हाल में साइकिल चलाना सीखना है। उसके लिए कईयों ने तो प्रशिक्षण शिविर की मदद ली, वहाँ से उन्होंने साइकिल चलाना सीखा, खुद सीखा और उन्होंने दूसरों को भी सिखाया। उनके लिए ये आज़ादी प्राप्त करने जैसा था और वे अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस करती थी। डियर स्टूडेंट्स, आपने लेसन को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।